उत्तराखंड में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके कुमाऊं रीजन में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया और साथ ही यह अलर्ट 21 और 22 जुलाई के लिए है। कुमाऊं के नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए खास अलर्ट है। बारिश के बाद में बरसाती नाले और नदियां उफान पर आ सकती है, इसलिए मौसम विभाग सभी लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके साथ ही गढ़वाल रीजन में भी बारिश हो सकती है। अगर मैं बात करूं नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर की, तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में मिलने की संभावना है 21 और 22 को, और जो अत्यंत भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर 21 और 22 तारीख को इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलने वाली है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो 22 की रात है, 21 रात भी है, इसी तरह काफ़ी अलर्ट रहना है। और 22 की रात को विशेषकर तो आप देखेंगे जो लैंडस्लाइड है या फिर जो है घाट गदेरों में, नदियों में जो पानी है उसका जलस्तर जो 22 की रात या 23 सुबह में आप देखेंगे कि मैक्सिमम वो पहुंच जाएगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई बारिश के चलते कोतवाली परिसर में लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होने से कोतवाली परिसर के एक बड़े हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं थाना कैंपस में बना एक मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की दो बाइक भी दब गई। भूस्खलन के चलते करीब 7 रिक्शे भी दब गए। बागेश्वर के कपकोट में बारिश मुसीबत बन गई है और यहां पर राती केटी गांव में बारिश के बाद में कई घरों में मलबा घुस गया और 3 घरों को भारी नुकसान भी हुआ है। इसके साथ ही बोर बलड़ा गांव में तेज बारिश के बाद में नुकसान हुआ है। वहीं कपकोट में 12 सड़कें मलबा आने से बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि मतलब ये सब गया, ये घर भी जाने वाले हैं, वो घर नीचे वाला गया। कपकोट में बारिश मुसीबत बन गई है, लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई रास्ते ऐसे हैं जो कि बंद हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान भी पहुंचा है और साथ ही लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर की है, कपकोट की, और लोगों के घरों में काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही लोगों को आवाजाही करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब चारधाम के नाम पर कोई ट्रस्ट और समिति नहीं बनेगी, ये सब रोकने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि सरकार को विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजना चाहिए ताकि कानून पूरे देश में लागू हो, या फिर धामों और मंदिरों के नामों को पेटेंट कराया जाए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर कहा है कि सरकार इसको लेकर कानून बनाने जा रही है और फिर दूसरे राज्यों को इसके बारे में बताया जाएगा। हमारी सरकार यहां पर प्रस्ताव लाए कि विधानसभा में हम प्रस्ताव बनाएंगे, प्रस्ताव तैयार करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे और वो प्रस्ताव केंद्र को जाए, भारत की संसद एक कानून बनाए जिससे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या अन्य कोई मंदिर जो जिसके नाम की पूंजी है वो दूसरे उसका उपयोग न कर सके, ऐसा कानून बनना चाहिए। इसके अलावा अगर केंद्र की सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारे पास पेटेंट का रास्ता है कि हम इन नामों को पेटेंट करें कि दूसरा इन नामों का प्रयोग न कर सके। जो कानूनी प्रावधान है वो हमने राज्य के अंदर कर दिया है और हम सभी राज्यों को लिखेंगे इसके लिए। चारधाम के मंदिरों के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए कानून बनेगा। लेकिन इसी बहस में अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक नया पॉइंट भी सामने आया। हरीश रावत ने कहा है कि क्या अब गंगा देवी, केदार सिंह, बद्री प्रसाद जैसे लोगों पर भी केस दर्ज होगा जिनके माता पिता ने भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम रख दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट पर कारोबार करने वालों को सही नाम बताना होगा, तो उत्तराखंड में दूसरी बहस मंदिरों के नाम के दुरुपयोग पर चढ़ी है। दिल्ली और तेलंगाना के बाद कहीं उत्तराखंड के मठ मंदिरों के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो, सरकार इस पर कानून बना रही है।
लेकिन इसी बहस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नया मुद्दा जोड़ दिया है। हरीश रावत के मुताबिक देवभूमि और देश में बीजेपी जिस तरह नाम और धाम का खेल खेल रही है, ये बीजेपी अति कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जब उत्तराखंड में कानून लागू होगा तो उन लोगों पर क्या बीजेपी केस दर्ज करेगी जिनके नाम चार धाम मंदिरों और भगवान के नाम पर है। मसलन गंगा देवी, बद्री प्रसाद, केदार सिंह, शिव सिंह, जमुना देवी पर क्या केस दर्ज होगा या नाम की वजह से इन्हें हथकड़ी पहनाई जाएगी? केदार धाम, बद्रीनाथ धाम, धाम क्योंकि ये शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने हमको दिया है, तो वो राइट किसी और को नहीं दिया जा सकता है। उसको पुष्कर धामी जी या हरीश रावत नहीं ले सकते हैं, तो वहां तक ठीक है, मगर नाम नहीं होगा। केदार सिंह नाम कैसे बदल देगी? जिस माने केदार अपने बेटे का नाम रखा है, गणेश गोदियाल गणेश नाम से रखा कि गणेश का स्मरण कर ले करके, यमुना रख दिया तो उसको हथगड़ी पहना दोगे क्या? गंगा रख दिया तो उसको हथगड़ी पहना दोगे? या गंगा सिंह को क्या करोगे? तो मुकदमा कर दोगे? तो ये सोचने की बात है, केदार सिंह को मदरा कर दोगे, बद्रीदत्त पर क्या करोगे? मुकदमा कर दोगे? मामला भगवान के नाम पर लोगों से जुड़ा हुआ है और ऐसे में केस दर्ज होने को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल पूछा तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की गलत राजनीति बता दिया और भगवान के नामों पर ऐसी बात को भद्दा मजाक करार दिया। मैं कहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि क्या हम किस तरह से जो है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर करके हम पवित्र केदार धाम को, पवित्र गंगोत्री धाम को एक मतलब इस तरह से ले जा रहे हैं कि जैसे एक मजाक जैसा हो रहा है। बात और बहस दिल्ली में केदारनाथ धाम के निर्माण से शुरू हुई, गंगा देवी, केदार सिंह, बद्री प्रसाद और जमुना देवी के नाम तक पहुंच चुकी है और ऐसे नाम वालों पर कानून क्या कार्रवाई करेगा, ये सवाल छेड़कर पूर्वतम हरीश रावत ने बहस को नया मोड़ दे दिया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रोग्राम में शामिल हुए। डीएवी कॉलेज में हुए प्रतिभा समारोह में मुख्यमंत्री ने एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद एबीवीपी के सदस्य रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हित को देखते हुए सरकार नकल विरोधी कानून लाई और तब से पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया। देखिए, आज रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में असीमित एक सीमा है और हम लोग राज्य के अंदर पर्यावरण के संतुलन पर विशेष ध्यान रखते हैं। समुचित को हम अच्छा पर्यावरण, हवा, पानी और एक अच्छा पर्यावरण देने का काम देवभूमि उत्तराखंड करती है। उत्तरकाशी के शहीद श्रवण चौहान को आज अंतिम विदाई दी गई। यमुना नदी के किनारे गंगनानी घाट पर उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ में विदाई दी गई और अंतिम संस्कार किया गया। सरनौर गांव के श्रवण चौहान लद्दाख में तैनात थे और तबियत खराब होने से उनका निधन हो गया। उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा इलाका उमड़ पड़ा। उत्तराखंड सरकार ने रूट पर दुकानदारों को, होटल और ढाबा मालिकों को अपने नाम और पहचान बताने का आदेश दिया था, जिसका असर अब दिखने लगा है। हरिद्वार में प्रशासन की कार्रवाई के बाद में ढाबा मालिकों ने अपने नाम के बोर्ड लगा दिए हैं। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चुड़ियापुर बॉर्डर के पास में न्यू स्टार गढ़वाल ढाबा, हिमालय भोजनालय, शीतल ढाबा जैसे कई ढाबे कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन पहले उन पर संचालकों के नाम नहीं थे, लेकिन अब नाम के बोर्ड लगाए गए। जो इसको चलाता है, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है, उसका नाम लिखा गया, हम उससे कोई इतराज नहीं है। हमें फ़ायदा, हमें नुकसान नहीं है, मगर जो लोग और होंगे उन्हें नुकसान और फायदा, वो अपना आप बताएंगे। हम बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। हमने पहले भी बोर्ड लगा रखे थे, उसके बीच में हमारे बोर्ड हटवाए गए थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर के होटल ढाबे वाले प्रशासन के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं और प्रशासन ने सभी होटल ढाबे वालों को
मालिक का नाम लिखने के आदेश दिए हैं, लेकिन नारसन बॉर्डर के कई ढाबों पर मालिक का नाम बाहर नहीं लिखा गया है। और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि कई गैर हिंदुओं ने कांवड़ यात्रा के लिए अपने ढाबे हिंदुओं को किराए पर दे दिए हैं, और कई ढाबा चलाने वालों का कहना है कि उन्हें प्रशासन के आदेश का पता ही नहीं है। ये फिलहाल किराए पर लिया होगा? हाँ जी, हर साल जब आती है तो मैं लेता हूँ किराए पर। मतलब हाँ जी, किसका है ये होटल? है शेख चौधरी लिबर्टी। लगभग 4-5 साल से मैं एक आउट चला रहा हूँ। मतलब 14 फरवरी से हमने स्टार्ट किया है ये, और उस टाइम से हम कंटिन्यू इसको हम संचालन कर रहे हैं, और आगे भी कंटिन्यू हम संचालन कर रहे हैं। यहाँ पे सेवा भक्तों में नेम प्लेट के हमारे पास दिशा निर्देश नहीं आए हैं। नेम प्लेट अगर कहेगी गाइडलाइन के अनुसार हम काम करेंगे। ये पहले बनता ही है, जो हमारे मालिक साहब थे गाँव के, इनका लड़का एक्सपायर हो गया था, तो फिर हमने आगे लिया है। अभी 1.5 महीना होगा हमें, अब ये कावड़ के लिए लिया है, फिर इसमें रिपेयरिंग करवा के फिर बाद में सब परमानेंट के लिए खोलेंगे। उत्तराखंड में साल 2026 तक सभी सरकारी ऑफिस में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, और इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये बात शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोलर पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन प्रोग्राम में कही। तो मुख्यमंत्री ने सोलर वाटर हीटर सब्सिडी स्कीम पोर्टल का भी शुभारंभ किया, और रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए 734 लोगों को 3,72,00,000 की सब्सिडी बांटी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति भी बनाई गई है। ऊर्जा विभाग के अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। हर्ष का विषय है कि आज हम प्रदेश के 27 शासकीय भवनों में कुल 1.26 मेगावाट क्षमता सोलर प्लांट का लोकार्पण आज कर रहे हैं। आज किया है हम लोगों ने। यह पहल हमारे प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, और हमारी जो भावी पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ एवं स्वस्थ पर्यावरण आने वाले समय में सुनिश्चित होगा, और इकोलॉजी में एक बड़ा योगदान होगा। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 70% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। 70% सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.72,00,000 का अनुदान अभी तक दिया जा चुका है। 3 दिन तक बंद कमरे में कांग्रेस की हार की वजह जानकर ऑब्जर्वर पीएल पुनिया दिल्ली लौट गए, लेकिन आखिरी दिन चर्चा 3 सीनियर नेताओं की रही, जो शुक्रवार को अलग से मिलने होटल पहुंचे, और यही वो 3 नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो बंद कमरे में क्या बात हुई, इसको लेकर अटकलों का दौर चल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव क्यों हार गई? 3 दिन देहरादून में बिताकर और एक एक नेता से मिलकर ऑब्जर्वर पीएल पुनिया दिल्ली लौट गए, लेकिन हार की समीक्षा के आखिरी दिन कांग्रेस ऑफिस में चर्चा 3 नेताओं की मुलाकात की रही। खबर है कि शुक्रवार शाम दिन ढलने के बाद हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य ऑब्जर्वर मिलने प्राइवेट होटल में पहुंचे, तो इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि आखिर 3 सीनियर नेताओं को अलग से ऑब्जर्वर से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी। 3 नेताओं के एक साथ पहुंचने पर चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की कुर्सी खिसक सकती है, या फिर तीनों नेताओं से चुनाव ना लड़ने की वजह पड़ गई, क्योंकि तीनों कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि जिसे राजनीति दिखती हो दिखे, लेकिन ये मुलाकात सामान्य थी, तो पीएल पुनिया ने कहा कि ये बातें मीडिया को बताई नहीं जा सकती। कल 3 बड़े नेता आपसे मिलने भी आए, वो भी सुर्खियों में। सभी मिले हैं, और हमने कहा था कि सब मिले, तो सब मिले हैं, और बाकी मुझे तो रिपोर्ट देनी है, बाकी कोई मीडिया से बात करके उसके बारे में मैं खुलासा करूं ये संभव नहीं। पहुंचे तो हमने कहा तीनों एक साथ मिल लेते, कोई हमें ऐसी कोई बात करनी नहीं थी, तो हम गए और उनसे जो बात हुई बात हुई, तो ऐसा नहीं, उनकी कुशल से हम पूछी क्या है कैसे। मतलब इसके कोई दूसरे मायने इसके राजनीतिक मायने निकालने वाले तो राजनीतिक मायने निकालते रहे,
पर लेकिन सामान्य और शिष्टाचार भेंट। कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद हो, प्रदेश अध्यक्ष का पद हो या फिर नेता विपक्ष का पद, बाहर नेता दूसरे नेता की कुर्सी हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो क्या लोकसभा चुनाव में हार को लेकर तीन सीनियर नेताओं की कोई जिम्मेदारी तय होगी या फिर हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। करण माहरा का कहना है कि पार्टी का जो भी फैसला होगा मंजूर होगा। जो भी मुझे डिलीवर करना था मैं उसको पूरी ताकत से डिलीवर कर रहा हूँ। जो भी मुझे सर्विसेज कांग्रेस को देनी चाहिए वो मैं अपनी पूरी ईमानदारी के संग दे रहा हूँ। बाकी हाईकमान तय करके, हम लोग तो सिपाही हैं, जहाँ लगाएंगे हम वहाँ लगेंगे। अगर इसी में कंटिन्यू करना होगा इसमें करूंगा, और अगर नहीं होगा तो कोई ना कोई जिम्मेदारी मैं लेते रहूंगा और कांग्रेस के लिए काम करते रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीन सीनियर नेताओं से बंद कमरे की बात पर पीएल पुनिया कुछ नहीं बोले, लेकिन इसके बाद कांग्रेस में भविष्य को लेकर राजनीतिक चर्चाओं ने जोर जरूर पकड़ लिया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। श्रीनगर बेस अस्पताल में जल्द ही ओपीडी पर्ची के बनाने के लिए मरीजों से पहले से ज्यादा रुपए देने होंगे, और अब जहां तक प्रति मरीज ₹5 ओपीडी पर्ची का शुल्क बेस अस्पताल में लिया जाता था, तो जल्द ही बेस अस्पताल में ओपीडी का पर्चा ₹10 में बनेगा। हालांकि प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में ओपीडी पर्ची के रेट घटाए गए हैं। देखिए अभी तक क्या था कि अगर कोई भी मरीज हॉस्पिटल जाता था तो कहीं रेट ₹25 था, कहीं ₹30 था, कहीं ₹29 था। अब हमने ₹10 पर मरीज का पर्ची सिस्टम किया है। उप जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय में ₹20 किया है, और वो पर्ची जो है कहीं भी अगर मरीज जाएगा तो उसी पर्ची दिखा के जो है उसका इलाज शुरू हो जाएगा। पहाड़ों पर असली रंग देखना है तो देवभूमि उत्तराखंड चले आइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के ये खूबसूरत पहाड़ इन दिनों मानसून की घटाओं से घिरे हुए हैं, और इन्हीं घटाओं ने पहाड़ों में ऐसी हरियाली बिखेर दी है जिसे देखने पर्यटन खींचे चले आ रहे हैं। खासकर नैनीताल के कैची धाम, भीमताल, मुक्तेश्वर, जौलीकोट के पर्यटन बिना किसी हिचक के पहुंच रहे हैं और मानसून का मजा ले रहे हैं। एंड ट्रूली स्पीकिंग, हम इतनी दूर तक आए, हम इनफैक्ट नैनीताल तक गए, हमने ये होम स्टेज वगैरह लिए, हमें कहीं पे भी कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हुआ। और ऐसा इतना लैंडस्लाइड, सबका जो इतना मतलब ये बना रखा है हवा टाइप का जो बोल रखा है, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पर्यटक ना सिर्फ मानसून का मजा ले रहे हैं बल्कि सीजन पहाड़ों में होने वाले आड़ू, सेब और नाशपत्ती जैसे रसीले फल उनके मुंह का स्वाद भी बदल रहे हैं। में थोड़ी बारिश हुई थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा ग्रीनरी है, और हमें लग रहा है कि ये तो बेस्ट टाइम है घूमने का। फिर हमने प्लान किया कैची धाम जाने का और नैनीताल तक भी गए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई ट्रैफिक का इशू, ना कोई लैंडस्लाइड। रोडें बहुत अच्छी हैं इस समय नैनीताल जाने की, कैची धाम जाने की। तो मेरे हिसाब से तो ये वेदर भी नैनीताल घूमने का बहुत ही बेस्ट है, पहाड़ों पर घूमने का। यहाँ पे अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, हमने इनफैक्ट फ्रेश नाशपत्ती के फ्रूट्स खाए खुद तोड़ करके हाथ से। दरअसल पहाड़ों की लैंडस्लाइड वाली वीडियो देखकर पहाड़ों को जानलेवा समझने लगे थे लोग, जबकि हकीकत ये है कि पहाड़ मानसून में और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं, बशर्ते आप मौसम की एडवाइजरी के साथ ट्रैवल करें। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के आराकोट बंगाड़ में झूला पुल क्षतिग्रस्त हो गया और खूनी गार्ड पर बना झूला पुल जर्जर हो गया है। वहीं गांव वालों का आरोप, कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन पुल की सुध नहीं ले रहा था। पुल पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढों में पत्थर रखकर ग्रामीण आवाजाही करने को मजबूर हैं। ये पुल 3 गांव को जोड़ता है। झूला पुल में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, ये मेरे पीछे तो बुधुतरा गांव, उपमेर भी जो थी, इन 3 गांव को जोड़ने वाला मात्र एक झूला पुल है और जिसकी स्थिति देनी है, बहुत लंबे समय से इस पुल की स्थिति देनी है और कभी भी कोई अपने घटना घट सकती है। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में भी लिखित कार्रवाई की गई थी और आज पुनः हम इसमें लिखित कार्रवाई कर रहे हैं। और
यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 8।